नई दिल्ली EMS देश की राजधानी दिल्ली में भले ही दो दिन से बारिश ना हुई हो, लेकिन यमुना का जलस्तर अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। गुरुवार की रात बात करें तो पल्ला गांव के आसपास के इलाकों में यमुना का जलस्तर 212.70 मीटर तक पहुंच गया था। जब राजधानी में जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उसने साल 1978 की बाढ़ की याद दिला दी। उस वक्त यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। साल 1978 में आई बाढ़ के बाद जिस तरह इंदिरा गांधी नहर परियोजना का काम किया, उसी का नतीजा है कि आज नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद डूबने से बचे हैं। बता दें कि 45 साल पहले आई बाढ़ के बाद यमुना पर एक बांध बनाया गया था। यह यमुना नदी के किनारे बना है और लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। इस बांध को बनाने में बड़े बड़े पत्थर मिट्टी इसका इस्तेमाल किया गया है। इस बांध को यमुना के तेज बहाव रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। आज यही बांध दिल्ली बाढ़ को रोकने मददगार साबित हो रहा है। बता दें कि 1978 में बाढ़ ने जिस तरह तबाही मचाई थी, उसने दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति बना दी थी। पूरी दिल्ली में पानी में डूब गई थी, टेलीफोन लाइन बंद थी, पूरी बिजली तरह काट दी गई थी। हालात इस कदर हो गए थे कि दिल्ली के महारानी बाग, ओबम, आदमपुर और मॉडल टाउन जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई थी। उस वक्त भी हथनी कुंड बैराज तकरीबन 7 लाख क्यूबिक पानी छोड़ा गया था। दिल्ली में बाढ़ तो इससे पहले भी आती रही है, लेकिन 1978 की बाढ़ जिस तरह से तबाही मचाई थी, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।